तो दोस्तों कहानी उस तरफ आगे बढ़ सकती है या यूं कहूं कि बढ़ चुकी है तो भी गलत नहीं होगा। किस तरफ ये बात तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर। वेल आगे क्या होने वाला है ये भी बताने वाला हूं। अरमान और अभीरा की शादी की शहनाइयां भी गूंजने के चांसेस और भी स्ट्रांग हो चुके हैं, क्यों वो भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट्स कॉल्ड स्टार स्टेशन टीवी। सो जिंदगी में पहली बार मुझे रोहित को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने का बहुत मन कर रहा है, और रोहित के साथ साथ मुझे रूही को भी थैंक यू कहने का बहुत मन कर रहा है। वेल, अगर ये सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है रोहित और रूही की वजह से जिसकी वजह से अरमान और अभीरा की शादी की बात हो चुकी है पोदार हाउस में। तो दोस्तों एक डेट के ऊपर रूही और रोहित दोनों जाते हैं। रूही को लगता है कि कमाल की डेट होगी, बहुत सारी बिचिंग करूंगी, इधर उधर की बातें करूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन अरमान और अभीरा की वजह से वो जो डेट होती है वो फीकी पड़ जाती है। अब इस बात का रोना लेकर रूही जाती है कावेरी जी के पास और कावेरी गुस्सा हो जाती है। खैर इसके बाद घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि पोदार हाउस का जो असली वारिस है यानी कि जो हमारे रोहित भाई साहब हैं, उन्हें पोदार जो एडवोकेट फर्म है उसका सर्वे सर्वा उसका मालिक बनाया जाए, यानी कि रोहित पोदार को इन सारे वकीलों के बीच में वो ओहदा दिया जाए जो अरमान का ओहदा हुआ करता था या फिर अभी भी है। लेकिन यहां पर क्या होता है उसके बाद वो जानना, वो चीज मैं इतनी देर से अपने दिल में रख रखा था मैंने, वो बताना बहुत जरूरी है। और वो ये रोहित ये चीज लेने से पहले सोचता है और उसके बाद रोहित कहता है कि वो एक ही शर्त के ऊपर ये डेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा, और वो शर्त ये है कि अरमान और अभीरा की शादी पहले हो। यस, रोहित ने खुद ये ऐलान किया है कि अरमान और अभीरा की शादी अगर होगी तो उसके बाद रोहित वो डेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पर दादी सा के जो जमाई सा है ना, जिनकी प्लानिंग तो आप जानते ही हैं, वो चाहते हैं कि रोहित यहां पर आ जाए, क्योंकि उनके हिसाब से रोहित इस फॉर्म को नहीं संभाल पाएगा, अरमान ऑब्वियसली दूर हो जाएगा, तो घूम फिर कर पूरी की पूरी बाजी आ जाएगी जमाई सा के हाथ में। लेकिन जमाई सा बाद में देखेंगे क्या होता है उनका। लेकिन इस सबके बीच में अच्छी चीज ये है कि अब घर वालों के सामने और स्पेशली दादी सा के सामने रोहित, जो कि उनके जिगर का टुकड़ा है, उसने खुद ये बात कह दी है कि वो अपने परिवार का यानी कि फैमिली बिजनेस तभी संभालेगा जब अरमान और अभीरा की शादी हो। नाउ द बॉल इज इन फैमिली एंड दादी सा कोर्ट, बिकॉज आपको भी पता है कि दादी सा रोहित की कोई बात तो टाल नहीं सकती। अब दादी सा को ना चाहते हुए भी अरमान और अभीरा की शादी के लिए हां कहनी पड़ सकती है, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये शादी कितनी जल्दी होगी, इस शादी के बीच में क्या कोई अड़चन आएगी, रूही अपनी क्या चाल चलेगी, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा बहुत जल्द। लेकिन अब ये सबसे बड़ी न्यूज जो मुझे आपको बतानी थी, और वो ये कि पोदार हाउस में अभिमान यानी कि अरमान और अभीरा की शादी की बात शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्दी हु नोज शादी की शहनाई भी बच जाए। इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर बटन एंड कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।